पीएम मोदी पर महुआ मोइत्रा ने किया हमला, कहा आंख से आंसू बह रहे हैं और गंगा में लाशें बह रही है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरे देश में तबाही मचा रखी थी। लोग लाखों की तादाद में मर रहे थे और मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने में रैलियों पर रैलियां कर रही थी। पूरे देश ने मोदी सरकार की नाकामी को जाना। इस पर मोदी जी का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ। कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। वहीं इस वीडियो के आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि आंख से आंसू बह रहे हैं और गंगा में लाशें बह रही हैं। महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोगों ने अपने रिएक्शन देते हुए कहा। प्रदीप भगेरिया नाम के यूजर ने लिखा, पता नहीं विधाता ने रच दिया क्या संसार, सत्य असत्य से दब गया झूठ का कारोबार। झूठ का कारोबार या ज्यो बड़े कोरोना, मौतें नहीं बवाल इमेज का रोना धोना। बहा घड़ियाली आंसू, वानप्रस्थ के लोग सोचते कैसे फासू। हितेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं, उसकी आंखों के आंसू तो नकली है, गंगा में बहती लाशें असली है। वहीं एडीवी नाम के यूजर ने लिखा, जनता पूछ रही है इतने लोग मर रहे हैं, कोरोना पीड़ित लाखों में जा रहे हैं, शव गंगा में तैर रहे हैं, लाशें कुत्ते खा रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, सरकार कहाँ है, क्या कर रही है। उत्तर, एक तो चुनाव के बाद से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, और एक टीवी पर आकर रो लिया, बात खत्म। द सिटीजन नाम के यूजर ने लिखा, कोई फकीर को बताओ कि वैक्सीन आंसू से नहीं बनती, हैशटैग इंडिया नीड्स वैक्सीन। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।